और एक और है, हम कहते हैं ना कि अंग्रेज फूट डालो राज करो की नीति अपनाते थे, तो हमें गुस्सा आता है अंग्रेजों की इस नीति पर। अब क्या कर नहीं रहे, तुमको अगर विरोध करना है तो रीतिकाल में बहुत अश्लील साहित्य भरा पड़ा है, वो उठा के दिखा दो। फिल्मों में इतना भद्दा प्रदर्शन आ रहा है, उसको उठा के दिखा दो। पोर्न वीडियो चले उनको उठा के दिखा दो। उनकी तो हिम्मत नहीं है, क्यों? क्योंकि उनको हटाएंगे तो समाज सुरक्षित हो जाएगा ना। समाज आजादी हासिल करने के बाद सब कुछ वैसा ही नहीं रहा जिसकी आजादी के सेनानियों ने कल्पना की थी। आपको पता होगा, इतना आप समझ भी सकते हैं कि जो आजादी के दीवाने थे, जिनका नाम लेना भी मुश्किल है, असंख्य वीर अनाम उत्सर्ग हो गए। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, ये तो हम गिने चुने नाम लेते हैं। इन्हीं से आजादी नहीं मिली, न जाने कितने अनाम उत्सर्ग हो गए, है ना। लेकिन उन सब ने क्या सोचा था कि अंग्रेजी सरकार का शोषण समाप्त होगा, हमें आजादी मिलेगी, भारत स्वतंत्र होगा, भारत की अपनी कार्यपालिका होगी, भारत की अपनी व्यवस्थापिका होगी, भारत की अपनी न्यायपालिका होगी, किसी का शोषण नहीं होगा, सबको समानता का अधिकार मिलेगा, सबका विकास होगा। इस तरह की अवधारणा लेकर उन्होंने फांसी के फंदे को चूमा था। लेकिन क्या वो भारत, उनके सपनों का जो उन्होंने सोचा था, क्या आज वैसा भारत है? नहीं। पहले गोरे अंग्रेज लूटते थे, आज ये काले अंग्रेज लूट रहे हैं। एक एक छोटे छोटे चपरासी के यहाँ, छोटे छोटे अधिकारी के यहाँ कभी छापे पड़ते हैं, अखबार में पढ़ते हैं तो लाखों करोड़ों रुपए उनके खाते में उनके निकलते हैं। इतनी इतनी अनाम संपत्तियां उनके पास पड़ी है, समझारी बात है। तो सोचो कि सारे लोगों के यहाँ जो लोग हैं भ्रष्टाचार फैलाने वाले, सबके यहाँ छापे पड़ जाए और ईमानदारी से पड़े तो कितना धन निकलेगा, पता ही नहीं, अंदाजा नहीं है। भारत सोने की चिड़िया पहले नहीं थी, अब है, पहले से कहीं ज्यादा है। कभी कभी तो आंखें फट जाती है। एक वो पुरानी घटना पड़ी मैंने अजमेर वाली कि जब छापे पड़ने लगे तो ड्रम में रख रखे नोटों को, गट्टियों को जला दिया। हे भगवान, मतलब किसी के पास तो दो टाइम की खाने की रोटी नहीं है और किसी के पास पता नहीं है कि तेरे पास संपत्ति कितनी है, गिन नहीं सकता वो। और एक और पता नहीं कहां का क्या खबर थी, वो तो सोता ही नोटों की गड्डियों पर बिस्तर लगाकर, इसके बिना तो मुझे नींद नहीं आती। मतलब ऐसे ऐसे, और कहां से आते हैं? ईमानदारी से इतने पैसे नहीं कमाए जा सकते। ईमानदारी से दो समय की रोटी कमा सकते हो, इज्जत से परिवार पाल सकते हो, बस, समझाई बात है। ये अतिरिक्त जो गाड़ियां घूमती घुमा करते हैं ना, वो अतिरिक्त पैसे होते हैं। तो लोग और नेता लोग, अगर ये नेता लोग जाति पांति के झगड़े बंद कर दे और देश सेवा का प्रण ले ले तो फिर देश के विकास होने में टाइम नहीं लगता। और प्रत्येक अध्यापक, प्रत्येक बच्चे के सामने आज भारत की युवा पीढ़ी यानी भावी भारत कहां बैठा है? एक टीचर के सामने बैठा है। 5% को छोड़ दीजिए जो किसी मजबूरी के कारण होटलों में कप धोते हैं, किसी मजबूरी के कारण बेचारे कारखानों में यहां कहीं छोटी अवस्था में पढ़ाई छोड़कर काम करना पड़ता है, उन 5-7% को छोड़ दीजिए, बाकी सारे बच्चे आज कहां बैठे हैं? टीचर के सामने बैठे हैं। अगर टीचर सिर्फ और सिर्फ सिलेबस करवाना है, इसी की तनख्वाह मिलती है, ये धारणा छोड़ दे और बच्चों को थोड़ा बताए देश क्या है, हमें क्या करना है, कर्तव्य क्या है और कैसे नैतिकता का पालन करना है, हमारी संस्कृति क्या है, हम किन मूल्यों को भूलते जा रहे हैं, ये चीजें अगर बच्चे के सामने प्रार्थना में या कैसे ही समय निकालकर प्रसंग सुना करके बता दी जाए तो विकृतियां समाज में आनी कम हो जाएगी। पर सबने अपना अपना कर्तव्य है औपचारिकताओं में निभाना शुरू कर दिया तो विसंगतियां बढ़ गई समाज में। और माँ बाप को भी ध्यान देना चाहिए। मैंने ऐसे ऐसे वीडियो देखे हैं, कई कई लड़कियों के कम कपड़ों में बद्दे इशारे करके व्यू आ जाए, हे भगवान, और उनके घरवाले टोकते नहीं है। एक वो लड़की है जो दो भाई है उसके, एक लंबा सा भाई है एक छोटा भाई है, और वो लड़की कृष्ण भगवान के वगैरह वगैरह गीत गाती है, उनके भी व्यू बहुत हैं। अगर तुम्हें व्यू चाहिए तो शुद्ध सात्विक काम करके व्यू नहीं बढ़ा सकते क्या? उनके भी व्यू आते हैं, लेकिन नहीं, शॉर्टकट अपनाते हैं लोग पैसे कमाने के लिए और के लिए, और उनके माँ बाप टोकते नहीं है।
और नेता लोग भी जाति पांति के झगड़े करवाने के लिए उकसाते रहते हैं बार बार। उनको पता है कि ये वर्ग मेरे कहने से मेरे बात में आ जाएगा, लोग भी क्या है झंडा लेकर उनके पीछे जयकार के नारे लगाने शुरू कर देते हैं। अब वो पीछे दो चार दिनों से आपको मैंने बताया था रामचरितमानस की पंक्तियों पर बवाल उठा दिया कि उसमें तो गलत लिखा हुआ है, उस किताब को फाड़ दो, जला दो, हटा दो। हे भगवान, जो सैकड़ों वर्ष पहले लिखी गई थी कि उसमें ना लोग भड़क रहे हैं, लोग उसमें लिखे ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़म के अधिकारी तो कह रहे हैं कि शूद्रों पर अत्याचार हो रहा है, उसके कारण हो रहा है क्या? लोग पहले पढ़ते हैं उसको और फिर शूद्रों पर अत्याचार करते हैं कि रामायण में लिखा हुआ है, महाभारत में लिखा हुआ है। पहली बात तो कोई बताओ मुझे जो उनको पढ़ने वाला है भी क्या, पढ़ता ही नहीं। और जो ये टिप्पणी कर रहे हैं ना उसको खुद को कोई पूछे कि तूने पढ़ी है क्या उसको पूरी को, अगर पढ़ी है तो वो जो तू लाइन निकाल के लाए ना उसके ऊपर वाली लाइन बोल जा, उसके ऊपर वाला पद बोल के दिखा दे, ऊपर वाली चौपाई बोल के दिखा दे, और उसके बाद कौन सी चौपाई है वो बोल के दिखा, पता ही नहीं। बस बात निकालते हैं, उनको पता है इस बात को निकालने से कुछ वर्ग के लोग मेरे पीछे हो जाएंगे और मैं चर्चा में रहूंगा, बस इतना ही है। रचनात्मक काम है नहीं, कह रहे रामचरितमानस को जला दो। अरे जलाने को बेरोजगारी है उसको जलाओ, भ्रष्टाचार को जलाओ, महंगाई को जलाओ, तुम्हें जलाना ही है तो। पर बस, और एक और है, हम कहते हैं ना कि अंग्रेज फूट डालो राज करो की नीति अपनाते थे तो हमें गुस्सा आता है अंग्रेजों की इस नीति पर। अब क्या कर नहीं रहे, जो किताब में लिखा पड़ा है वो किताब पहली बात तो कोई पढ़ ही नहीं रहा, कौन है किसके पास टाइम है यार, पाठ्य पुस्तक तो पढ़ने को टाइम नहीं है किसी के पास है। कौन रामचरितमानस पढ़ रहा होगा, आप में से किसी ने पढ़ी है? मैंने खुद ने नहीं पढ़ी, नहीं समझाई की बात है, कोई पढ़ नहीं रहा। और पढ़ रहा है तो किस किस ने रामायण या रामचरितमानस पढ़ पढ़ कर अपनी औरतों को पीटा है, नारी को ताड़न का अधिकारी बता दिया। तो कोई एक आदमी बताओ ना जिसने रामचरितमानस पढ़ करके अपनी लुगाई को पीटा हो और वही लाइन तुमको दिख गई राम। अच्छा एक वीडियो बात और याद आ गई बीच में, एक वीडियो एक लड़की का वायरल हो रहा है, वो क्या कर रही है, वो कहती है कि मुझे नहीं चाहिए राम जैसा पति जो अपनी पत्नी को एक धोबी के कहने पर त्याग देता है, मुझे नहीं चाहिए कृष्ण जैसा पति जो कई गोपियों के साथ रहता है, मुझे तो रावण जैसा पति चाहिए। तो जो सुन लेगा ना तेरी वीडियो जो वायरल है तो वो रावण भी तुझे नहीं मिलेगा, वो भी तेरी भावना पढ़ लेगा। पर उनको मतलब नहीं चीजों से, वो सोचते हैं कि ऐसे हटकर कुछ करते हैं तो व्यू आते हैं उसके चक्कर में। बस मतलब राम को क्या बता दिया, पत्नी विरोधी बता दिया, ये नहीं पता कि यार राम नारी विरोधी कहां से हो गया, सबरी के जूठे बेर खाने वाला। और कई कई के बारे में जब लक्ष्मण को क्रोध आता है तो कितना सुंदर तरीके से बताता है कि लक्ष्मण भैया तुम कई कई के त्याग को देखो, अपनी खुद की माँ की बजाय इन्होंने अपने को ज्यादा गोदी में खिलाया है, उनके त्याग को देखो। और अब वो नारी के बारे में तो अपनी पत्नी के बारे में उनके सात्विक विचार देखो, उनके बाप दादाओं ने कई की शादियां की थी और ये रिवाज राम ने तोड़ा था कि नहीं बस एक सीता एक पत्नी पर आस्था रखने वाला खुद ने। और त्याग, त्याग तो पूछो ही मत कितना किया पत्नी के लिए, समुद्र में पानी में यार मार्ग बना के अपनी पत्नी को लाने के लिए चला गया। और रावण जैसे दुराचारी का सामना किया निडर होकर के बिना डरे, और मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं उनको, पर उन पर उल्टी सीधी टिप्पणी करके छाना है बस किसी ने किसी तरीके से लोगों में। अब अंग्रेज तो फूट डालो राज करो की नीति अपनाते थे, ये नेता नहीं अपना रहे क्या? वो लाइन दबी पड़ी है कहीं किताबों में, कोई पढ़ ही नहीं रहा उसको, फिर भी उठा करके लाते हैं आगे। साहित्य हमेशा समय के सापेक्ष होता है और साहित्यकार समय से और ये समाज से उठा करके विषय वस्तु तैयार करते हैं, उसमें अपना साहित्य लिखते हैं। तो तभी तो कहते हैं ना साहित्य समाज का दर्पण है, तो समाज में जिस रूप में परिस्थितियां होगी उन परिस्थितियों के हिसाब से वो उठाएंगे। तुमको अगर विरोधी करना है तो रीतिकाल में बहुत अश्लील साहित्य भरा पड़ा है वो हटा के दिखा दो, फिल्मों में इतना भद्दा प्रदर्शन आ रहा है उसको हटा के दिखा दो, पोर्न वीडियो चले उनको हटा के दिखा दो, उनकी तो हिम्मत नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको हटाएंगे तो समाज सुरक्षित हो जाएगा ना, समाज की समाज में विकृति आना बंद हो जाएगा, लड़के बिगड़ना बंद कर देंगे, वो तो करना नहीं है। समाज आराम से अपना अपना जीवन यापन कर रहा है, मेरे पड़ोस में मुस्लिम है, मेरे पड़ोस में हिंदू है, मेरे पड़ोस में ब्राह्मण है, सारे गांव में सब मिलजुल कर रहते हैं, पर नहीं उनको मुद्दा उठा करके, क्योंकि उनसे उनकी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। समाज थोड़ी सुधारना है, जड़े जापड़े समाज में विसंगति लाना है, भेदभाव करना है, तो लोग भी उनका झंडा लेकर के आगे आ जाते हैं। यूं नहीं सोचते कि उस पंक्ति में इतना गलत लिखा पड़ा है तो ये तुम्हारे ही ध्यान में आया क्या, वो भी 2023 में, जबकि वो सदियों पहले लिखी गई है। तो सदियों से लेकर अब तक 2023 तक कोई विद्वान पैदा हुआ ही नहीं,
जिसको ये पता लगे कि यार कितनी गंदी लाइन है, तुम्हें ही पता लगा, तुम ही प्रकांड विद्वाद हुए हो सदियों के बाद, तुम्हें समाज में कई विसंगति दिख रही है तो विसंगति से लड़ो ना, उसको लात मार के दूसरा नया समाज बनाने की सोच रहे हैं। मान लो अपने घर में जाला आ गया मकड़िया, देखो समय के साथ विसंगति आ जाती है, तो बड़े बड़े जो वीर हुए हैं, शहीद हुए हैं, या जो समाज के हितैषी हुए हैं, समाज सुधारक हुए हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती ले लो, विवेकानंद ले लो, राजा रामोन जो भी हुए हैं, बहुत हुए हैं, नाम गिनाना ही मुश्किल है, तो उन्होंने समाज में आई विकृतियों को दूर करने का प्रयास किया। भगोड़े थोड़ी बने हैं, भाग्य थोड़ी है, तो अगर विसंगति आ गई तो उसको दूर करने की हिम्मत दिखाओ। हिंदू धर्म सिर्फ ब्राह्मणों का ही है क्या? ठेका ले रखा है ब्राह्मणों ने हिंदू धर्म का? पर नहीं, उन विसंगतियों के बातों में आकर या लोगों की बातों में आकर के वर्ग अलग अलग खड़ा कर लिए। अरे बंटना ही है तो बांट तो लो, अंग्रेज भी रहे थे ना, बंटते ही रहोगे क्या हमेशा के लिए? घर में जाला आता है तो घर को छोड़ के भागते हैं या जाले को दूर करते हैं? जाले को दूर करते हैं। और उन्होंने कोई ठेका ले रखा है क्या हिंदू धर्म का? कौन ठेकेदार है हिंदू धर्म का? हम सब का है। और धर्म क्या कोई छोटी चीज है क्या? मैंने पहले बताया आपको, किसी प्यासे को पानी पिलाना भी धर्म है। तो इनको संप्रदाय में बांट बांट करके नेता लोग तो अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, उनके लिए भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, वोट डालने वाले बढ़ जाएंगे, तब कर रहे हैं, पर लोग समझ नहीं रहे। तो बात यहां पर यह चल रही है कि आजादी के बाद के जो सपने थे साकार करने के लिए, जिन्होंने फांसी का फंदा चूमा था, क्या वो स्थितियां अब है? क्या वो भारत, उनको आजादी का भारत, सपनों का भारत मिल पाया? नहीं। आज विसंगतियां बहुत बड़े पैमाने पर मुंह बहाए हुए हैं, भ्रष्टाचार, शोषण, उत्पीड़न, अत्याचार, ये चीजें इतनी बढ़ गई है। अब वो कवि क्या कहना चाहता है कि भले ही मैं इतनी विसंगतियों को अकेला नहीं दूर कर सकता, लेकिन कम से कम मैं अगर भ्रष्टाचार नहीं करूंगा तो भ्रष्टाचारियों में से एक को तो कम कर दिया ना मैंने, अपने आप को शामिल न करके, तो एक कम। ये कविता है आपके, अब आप समझ गए होंगे एक कम का मूल भाव क्या है। वो कह रहा है कि इतनी विसंगतियों में अगर मैं भागीदार नहीं बनूंगा, मैं अपने आप को पीछे हटा लेता हूं कदम, भ्रष्टाचार नहीं करता, रिश्वत नहीं लेता, है ना, मैं अपना कदम हटा लेता हूं, तो कम से कम एक भ्रष्टाचारी कम तो कर दिया मैंने। तो कविता का नाम क्या है? एक कम।